तो गाइस बहुत ज्यादा टेंशन खत्म होने के बाद अब फाइनली आई एम सेटिस्फाइड विद माय कार। हालांकि वैसा तो सब नहीं मिल रहा है मेरे को जो अपने ब्लू वाले में मिल रहा था कि सब लोग जो हैं देख रहे थे गाड़ी को, बट हाँ व्हाइट वाली पे भी नोटिस कर रहे हैं लोग और समथिंग इज डिफरेंट। रोड पे जब चल रही है तो उसके बीच में लोगों को पता चल रहा है कि गाड़ी में बंदे ने कुछ जो है करा रखा है, बहुत तेज आवाज थी। खैर अभी जो है भाई अपन ले लिए मास्क का पैकेट 500 रुपए में, जो है 100 पीस 5 रुपीस पर मास्क दिया है और मैं जो है एक बार यूज करने के बाद फेंक देता हूँ, तो ये जरूरी था। अभी मैं चल रहा हूँ आरकेपुरम में चलते हैं, दो काम है और उसके बाद एक बहुत अल्टीमेट काम होने वाला है। एस व्लॉग्स देख पे दिखेगा, इस पे दिखेगा, वो आपको पता चल जाएगा। ओके भाई, जो पीछे वाली नंबर प्लेट है उसमें भी मैं लगवा रहा हूँ, उस राम के हैं एंड काफी ज्यादा ब्राइट रहते हैं, कूल व्हाइट है बेसिकली। मुझे ज्यादा थड़क वड़क भी छपरी वाला स्टाइल नहीं चाहिए था, तो ये कूल व्हाइट जो है मैं लगवा रहा हूँ। आपने देख ही लिया होगा सारा सिस्टम पानी, अब जो है पीछे भी लगवा लेते हैं एक बार। यहाँ से पीछे के जो है अपने व्हाइट बल्ब लगने वाले हैं और पीले हैं, पीलों को रिमूव करवा के व्हाइट करवाऊंगा मैं। और जो ये छोटे छोटे काम है बहुत देर ले लेते हैं क्योंकि इनमें जो है बारीकी से करना पड़ता है। पीले बल्ब मैं दिखा दूँ आपको, ये थे भाई अपने कुछ पीले बल्ब ऐसे, और ब्राइटनेस तो आप लोगों ने देख ही रखी होगी ऑलरेडी जो भी बेसिक गाड़ियाँ आती हैं उनमें। व्हाइट जो है मैंने ओसराम के चूज़ करें क्योंकि ओसराम के जो है जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, और अगर आप एक सिंपल चाइनीज़ ले लेते हो उनका जल्दी ख़राब होने का भाई, तो यहाँ पे ऐसा तो है ही कुछ। और इसके बाद जो अभी पीले बल्ब वाइट हो चुके हैं। ये जो छोटी छोटी जगहें होती हैं ना, इनमें उंगली घुसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और मेरी तो उंगली बहुत बड़ी बड़ी हैं तो मेरी तो जाती नहीं, तो भैया भी ट्राई कर रहे हैं जब से कि घुस जाए किसी तरह, और बार बार जो है एकदम अपना जो वो छेक है ना उससे वहाँ से मिस हो रहा है और वो डल नहीं पा रहा है वहाँ पर बढ़िया से। तो कम से कम नहीं तो लगा लो 15-20 मिनट ट्राई ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी भी जो है बस कोशिश जारी है किसी तरह लग जाए। अगर मान लो यही सेम ऊपर कसने हो ना तो इतनी दिक्कत नहीं है, पर ये ना मतलब ऐसे खड़े होते हैं सामने की तरफ कि आपको सामने डालना होता है, मतलब ये जिस तरह नंबर प्लेट लगी वैसे ही लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ लगे हुए आराम से कस कुछ दो तो दिक्कत है। चलो खैर भैया ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में लगता है। मतलब और सब तो ठीक है, मैं काफ़ी देर से बोर हो रहा था, पर मैं ना भैया का चेहरा देख देख के, मतलब भैया का ना एक्सप्रेशन देखो कि किस तरीके से लगाने की ट्राई कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा कोशिश करी, मतलब और सब काम तो गाड़ी में 2 मिनट में हो गए पर ये जो एक छोटा सा पार्ट था इसको लगाने में भाई कई कसम से बोलते हैं नानी याद आ जाए, वो काम हो रहा है। ये है वो जो होल मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें लगता है यहाँ पे जाके, तो इसमें ना उंगली घुसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मतलब ऐसे ऊपर सीधे तो डाल दो, पैर से टेढ़ा कैसे डालोगे। तो यहाँ पे मेन दिक्कत यही आ रही है कि डलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मैंने भी कम से कम 3-4 बार ट्राई कर लिया, और फिर उसके बाद चूड़ियाँ भी कसनी होती है। और भैया का यहाँ पे चेहरा देखो भी, मैं देख देख के ना मतलब ये हो रहा है कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी नहीं डल रहा, फिर मैं भी कह रहा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो मेरे से भी नहीं हो पा रहा ये। खैर चलती तो नहीं चलती, उधर फंस जाती है, जिधर चल रही है उधर फंसती नहीं। तो गैस मैं नीचे जा रहा हूँ अभी शूट करने, रात के टाइम हो रहे हैं, लगभग 3 बज रहे हैं और पीछे की लाइट आपको दिख रही होगी तो ये हॉन्टेड लाइट जैसा लग रहा है मेरे को, और मुंह पे एकदम ऐसे पड़ रहा है, और मतलब ऐसे आपने देखा होगा फिल्मों में माया वाया जैसा करके सीन होता है, तो भट्टी तो है पर मैं ऐसे बोलूँ कोई आत्मा मेरे से मिलना चाहती हो तो आ जाओ। लाइट तेज हो रही, शायद कोई आ रहा है। खैर मैं चलता हूँ नीचे, मेरे को पकड़ के ले जाए भूत। ये खड़ी अपनी धन्नो बसंती, सब कुछ यहीं पे खड़ी है। और रिवर्स कैमरे की बात करूं तो रिवर्स कैमरा भी दिखाई देता हूं आप लोगों को कैसा कुछ जो है वर्क कर रहा है। तो देख सकते हो काफी ज्यादा ब्राइटनेस है व्हाइट कलर की एंड पूरा एकदम बढ़िया से दिखता है, येलो कलर में इतना नहीं आता था, व्लॉग ही नहीं कर पाता था उसमें तो मैं, तो इसकी जो लाइट है काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ से पूरा अपना गाड़ी गुड़ी एकदम बढ़िया से दिख जाती है, तो काफी अमेजिंग है। तो आगे लेके जाऊँ थोड़ी सी, आगे दिख जाएगा, अंधेरा चाहिए मेरे को जो मैं चीज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, अंधेरा हाँ आगे ना। तो भाई ये रैप देखना, जैसे एकदम से लाइट जलाऊंगा ना तो उसके बाद ये जग जाएगा, ये देखो देख रहे हो, ये देखो मतलब ये लाइट ऑब्जर्विंग रैप है बेसिकली एंड काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ दिख रहा है मस्त है ना एकदम। तो ये चीज़ अच्छा सेकंड चेंज क्या कराया था, दो छोटी छोटी चीजें हैं इनने ना भाई मेरी गाड़ी एकदम लुक्स बदल दिए अंदर से, तो खैर ये लुक्स बदल ही गए यहाँ से, इधर से भाई भूत ना आ रहा कोई, तो यहाँ से देख सकते हो ये पूरे बढ़िया है। और दूसरी एक चीज़ मैं और दिखाऊँ आपको, छोटा सा अपडेट मैंने क्या कराया था, अपनी जो नंबर प्लेट है इसकी लाइट भी मैंने वाइट करा ली थी, यहाँ से मस्त जलती है एकदम, यहाँ से दिखाऊँ ये देखो। तो ये दो छोटे छोटे अपडेट थे जो अपनी गाड़ी में मैंने कराए, और इसके बाद लुक्स जो है गाड़ी के टोटली एकदम चेंज हो चुके हैं एंड ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है गाड़ी, ये दो छोटे छोटे चेंजेस हैं इनके बाद अमेजिंग हो जाती है गाड़ी एकदम। और आप लोग भी करा लीजिएगा वाइट, ओसराम के बल्ब लगाएं इसमें एंड अंदर भी मैंने वाइट बल्ब कराए हैं तो वो भी जो है ओसराम के लगवाएं, क्योंकि अगर LED लगवाते हो तो वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है फिर उनका मतलब नहीं बनता ज़्यादा यूज़ करने का, पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यहाँ से। तो टू ओनली स्मॉल चेंजेस चेंज माई कार एंड रिवर्स वाली वीडियो कल डाल दी थी, और अभी मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि वो माया वाला भूत है या नहीं है। लेट मी सी,
इधर तो नहीं है, है भाई ये देखो। ओ मागू भाई, ऐसे देखो आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोगों ने आज तक भूत को कभी फेस करा या नहीं करा। और पीछे के दिखाऊं तो पीछे वाला भी सेम वही सीन है, वैसे ही हो रही हैं लाइटें। तो मतलब मजाक की बात सौ, पर डर तो लगता है ऐसा। और अगर आपने हॉरर मूवी देख रखी हो, मैंने आजकल में जो एक हॉरर मूवी देखी थी, और पीछे का दिखाऊं तो वहाँ पीछे भी लाइटें चमक रही हैं, वेरी डिस्टर्बिंग।